श्री गणेशाय नमः। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष सकट चौथ 21 जनवरी वार शुक्रवार को मनाया जाएगा। देश में अलग अलग स्थानों पर इस धार्मिक पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे संकष्टि चतुर्थी, लंबोदर संकष्टि चतुर्थी, तिलकुट चौथ, तिलकुट चतुर्थी, सकट चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ आदि नामों से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को मोदक लड्डू का भोग लगाया जाता है। साथ ही भगवान श्री गणेश को दूर्वा का भोग लगाया जाता है। पूजा के समय गणेश स्तुति, गणेश चालीसा और सकट चौथ व्रत का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सकट चौथ का व्रत करने से सभी संकटों का निवारण होता है। यही कारण है कि इसे संकट चौथ भी कहा जाता है। सकट चौथ का व्रत संतान की सुरक्षा और परिवार की समृद्धि के लिए भी किया जाता है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दुख और परेशानियां दूर होती हैं। साल 2022 में सकट चौथ पर सौभाग्य योग बन रहा है, जो बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में किया गया कोई भी कार्य और पूजा हमेशा सफलता दिलाती है। सकट चौथ पर सौभाग्य योग दोपहर 3:06 तक रहेगा और उसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। चंद्रोदय के समय के अनुसार सकट चौथ का व्रत करना 21 जनवरी को ही उचित माना गया है। 22 जनवरी को चतुर्थी तिथि को चंद्रोदय नहीं होने वाला है, इसलिए आप 22 जनवरी को सकट चौथ का व्रत नहीं करें। 21 जनवरी को ही योग शुभ माना गया है। यह व्रत संतान की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इसी के साथ में आपको बता दें, इस वर्ष सकट चौथ को जो चंद्रमा निकलने का टाइम है वो रात्रि 9:00 है। तो जिन्होंने भी सकट चौथ माता का व्रत किया है वो रात्रि 9:00 चंद्रमा को जल अर्पण करके अपना व्रत खोल लें, यानी कि व्रत पारण कर लें और अपने सास ससुर के पैर जरूर छुएं। अगर आपने चौथ माता का सच्चे मन से पूजन किया है, व्रत किया है, तो कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखें तथा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें।